जी आप बताएं, जो यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके काम से आप कितने खुश हैं, और चुनाव जो आ रहे हैं अब वोट आगे किसको देना चाहेंगे? अब जैसे पता चलेगा अभी किसको वोट देना है। मतलब सुभाष गर्ग ने काम तो बढ़िया किए भरतपुर में, आगे जो प्रत्याशी से ऊपर पता चलेगा क्या किसको वोट देना है। तो हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। ये बाबा बुड्ढे बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताओ, काफ़ी समय से आप वोट देते आए हैं चुनाव राजनीति में, जो यहाँ के मंत्री और विधायक हैं भरतपुर विधानसभा के डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके काम से आप कितने खुश हैं? सुभाष गर्ग तो हमारे घर को है साहब, और है बात से तो बढ़िया खुश हैं हम, बहुत बढ़िया और खूब काम कर रहा हूँ, और क्या चाहिए बस। जी हमारे साथ और भी हैं, उनसे पूछेंगे क्या क्या काम करवाए गए हैं सुभाष गर्ग द्वारा। जी आप बताएं, सुभाष गर्ग जो से आप कितने खुश हैं, और उनके किन किन कामों को लेकर आप खुश हैं, कितने नंबर देना चाहेंगे सुभाष गर्ग जी को? सुभाष गर्ग जी को अब 80 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि सब कुछ सही किया है, प्रोग्रेस किया है भरतपुर के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, और सब काम उन्नति पे हैं, जो आज तक नहीं हुए जो हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या काम कराए सुभाष गर्ग जी से? सुभाष गर्ग जी ने हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, ये सारी प्रोग्रेस किए, और बेसिक जनरल सड़कें हैं, नल बिजली पानी की सुविधाएं जो भी हैं, जनरल सुविधाएं वो सारी सही तरीके से चल रही है। तो हमारे साथ और भी हैं जी, आप बताएं, ये हमारे साथ बैठे हैं बुजुर्ग आदमी, इनसे पूछेंगे जी आप बताएं, जो डॉक्टर सुभाष गर्ग यहाँ के मंत्री हैं और विधायक भी हैं, 4.5 साल का उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? सामान्य कार्यकाल रहा उनका, बढ़िया कार्यकाल रहा। किन किन बातों को लेकर आप खुश हैं उनसे, और क्या कुछ नाराजगी भी नजर आ रही है? अरे थोड़ी बहुत नाराजगी तो चलती रहती है, थोड़ी बहुत नाराजगी चलती रहती है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी, जैसे हर बार कभी 5 साल राजस्थान में कांग्रेस और 5 साल बीजेपी का रहता है, इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा जी आप बताएं? कांग्रेस सरकार रहेगी तो इस बार रिवाज बदलेगा, दोबारा रिपीट कांग्रेस करेगी? रिपीट क्यों करेगी? कांग्रेस का काम अच्छा है सर, ये हमारे रिपीट करेगी, बाकी अगर देखी जाए तो आप, या मैं भी कहता हूँ पूरे बाजार से पूछ लो आप। तो हमारे साथ और भी हैं जी, आप बताएं, आप बोलिए कि जैसे मतलब आप बताओ कि किन किन कामों से आप खुश हैं, इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, सरकार कांग्रेस बनाएगी या बीजेपी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, सुभाष गर्ग ने जो कुछ काम किया है वो ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है। क्यों बेकार है आप इन्हें बताएं? इसलिए कि जो पहले बने हुए बढ़िया बढ़िया चौराहे थे उनको फड़वा के 7,000 का काम 70,000 में कराया है, ऐसा है, इन्होंने सारे मामला गड़बड़ कर दिया पूरा पूरा। ये देखिए, ये कमीशन बाजी का आरोप लगा रहे हैं कि बहुत जबरदस्त खूब चोर बाजारी है जबरदस्त भरतपुर में। तो आप देख रहे हैं कुछ विधायक से नाराज भी यहाँ पर लोग, और वह कमीशन बाजी का आरोप लगा रहे हैं, वैसे कह रहे हैं कि इस बार कुछ कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, कुछ कह रहे हैं राज बदलेगा। और हमारे साथ और एक दुकानदार यहाँ पे बताएंगे कि उनसे बात करेंगे कि देखो ये साइकिल के दुकानदार हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे पूछेंगे कि इस बार ये विधायक के कार्य से कितने खुश हैं और इस बार क्या रहेगा। जी आपका नाम? राम भरोस जी। तो आप बताएं जी, इस बार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ समय बाद चुनाव होगा, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर आप? क्या कहना मतलब? विधायक के काम से कितने खुश हैं आप, विधायक के काम से कितने खुश हैं, इस बार फिर सरकार कांग्रेस बनेगी या बीजेपी आएगी? कांग्रेस का उम्मीद है। तो विधायक के काम से कितने खुश हैं आप? बहुत खूब परेशानी खड़ी कर दी। क्या परेशानी होगी बताइए आप? लाइट में खूब पैसे बढ़ा दिए, सब्सिडी बहुत दिए, सिलेंडर दिए, सिलेंडर कुछ को दिए कुछ को नहीं दिए, परेशानी ज़्यादा, फायदा होने से ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों में नाराजगी भी है कांग्रेस सरकार को लेकर, कुछ कह रहे हैं कि सब्सिडी कुछ सिलेंडर पे दी है, बिजली कीमतों को लेकर लोगों में रोष है। और अभी तो देखें, हमारे साथ और भी बैठे हैं यहाँ पर साइकिल बनवा रहे हैं। जी आप बताएं, आप जो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? आनंद नगर के रहने वाले हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं। तो आप बताएं, जो विधायक ने जो काम कितने काम कराए हैं, कितने खुश हैं आप, खुश हैं या नाराज हैं, कितने नंबर देने चाहेंगे बीजेपी को? हमारे इधर तो खूब बढ़िया काम करवाए, बहुत अच्छे काम करवाए हमारे इधर तो। अच्छा, आप बहुत खुश हैं, तो इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी, क्या कहना चाहेंगे? अब वो तो वोटरों के हाथ की बात है किसकी बनेगी बीजेपी, हमारे उधर तो काम अच्छे करवाए, बढ़िया करवाए विधायक ने। तो आप मंत्री से बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं खूब। तो आप देख रहे हैं कि इस बार विधायक ने जो कार्य कराए हैं सभी लोग लगभग उनसे खुश हैं, और काफ़ी कार्य कराए गए हैं विधायक से, विधायक को लगभग 80 नंबर यहाँ के लोग दे रहे हैं। और देखते हैं आगे, हमारे साथ और भी हैं जी, आप बताएं, आप विधायक के काम से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं साहब,
बहुत अच्छे गुजरे काम। तो इस बार सरकार दोबारा रिपीट करेगी? बिल्कुल रिपीट होनी चाहिए कांग्रेस सरकार, बिल्कुल होनी चाहिए, काम अच्छे कराए, विधायक से पूरी पब्लिक खुश है। तो लोगों का कहना है कि इस बार फिर कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी और इस बार रिवाज बदलेगा, जो 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का था उसको अब रिवाज बदलेगा और कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट करेगी।